बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल। आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे। दिस टुडे वी आर हैविंग आवर सेकेंड ऑनलाइन क्लास ऑफ सोशल स्टडीज़। इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 17, द एंशियंट इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मीन्स अटैकर्स। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, सो देयर हैव बीन मैनी इन्वेडर्स who came to the subcontinent, who attacked subcontinent and who ruled over here, ठीक है, जिसमें मौर्यंस शामिल हैं, कुशांस शामिल हैं, गुप्ता शामिल हैं, हंस शामिल हैं, इसी तरह मंगोल्स हैं, इसी तरह आर्यन हैं, इसी तरह पर्शियंस हैं, इसी तरह मुगल्स हैं, ठीक है। सो दे अटैक द सब कॉन्टिनेंट एंड दे रूल्ड ओवर हेयर। अब इस चैप्टर में जिन एम्पायर्स की बात है, इसमें सबसे पहले आर्यंस आते हैं। सो आर्यंस तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं रिकैप करती हूँ कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे, ठीक। पर आर्यंस जो है, ये 1500 BC में सेंट्रल एशिया से आते हैं। ये ग्रुप की शक्ल में खैबर पास के थ्रू सब कॉन्टिनेंट में इंटर होते हैं 1500 BC में। अब पहले तो ये पाकिस्तान के कुछ एरियाज़, यानी सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में ये लोग जो है सेटल होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो हैं सब कॉन्टिनेंट के बाकी एरियाज़ को भी कॉन्कर करते हैं। अब यहाँ से पहले से मौजूद लोग जो ड्रेविडियंस होते हैं, आप इनकी सेटलमेंट देख लें। पहली सेटलमेंट इनकी यहाँ पर होती है सब कॉन्टिनेंट में, फिर सेकेंड सेटलमेंट इनकी यहाँ पर होती है, ठीक। अच्छा, अब ड्रेविडियंस जो होते हैं सब कॉन्टिनेंट में पहले से मौजूद, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक शानदार सिविलाइजेशन गुजरी है, जिन्होंने अपना अरूज भी देखा है, लेकिन फिर ये जवाल पजीर भी हुए। और ये पहले से जो है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, ये कमज़ोर हो गई थी। सो अब आर्यंस जब इन पे आते हैं, सो फिज़िकल भी दे वर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, द आर्यंस वर स्ट्रॉन्ग फिज़िकली। और इन ये चेटियर्स का भी इन्होंने इस्तेमाल किया टू फाइट अगेंस्ट दी ड्रेविडियंस, एंड दे आल्सो यूज द वेपन्स विच वर मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड आयरन। क्लियर। If we talk about the religion of the Dravidians, so it is unknown, and if we talk about their language, so it is said that they used the language which was similar to that of the Balochi language of Pakistan. Clear? Now, Aryans, when they settled over here in the new country, so they started farming, they became farmers, and they further captured the areas which was like the valleys of the Ganges river, and then again they further moved towards the east. Okay, so when they settled here, so they started farming, they became farmers, and they divided their people according to their occupations. There are four castes. We have discussed these castes in detail in our previous class, so I'll just एक्सप्लेन इतना नहीं करूँगी, सिर्फ नेम्स मैं आपको बोलूँगी कि ब्राह्मण्स थे टॉप पे, जिसमें प्रीस्ट शामिल हैं जिसे पादरी कहते हैं, या इसमें स्कॉलर्स या इसमें फिलोसोफर्स आते हैं, ठीक। फिर सेकंड कास्ट में इन्होंने किंग्स को, सोल्जर्स को और जो है लीडर्स को रखा। फिर इसके बाद थर्ड जात आती है वेश्यास की, जिसमें उन्होंने मर्चेंट्स, ट्रेडर्स यानी ताजर जो होते हैं, या क्राफ्ट हुनरमंद लोग जो या हाथ से काम करने वाले लोग, या फार्मर्स, थर्ड जात में इन्होंने इनको रखा। और फिर इसके बाद जो लोवेस्ट कास्ट थी, ये वो लोग थे जिनको सिंपल जबान में हम कहेंगे कि जो ब्राह्मण, वेश्यास और कश्यास के लिए काम करते थे, मतलब उनके नौकर जो होते थे, ठीक है। सो शूद्रस में वो लोग शामिल थे जो कि लेबरर्स, आम सर्वेंट्स या लेबरर्स होते थे। अब ये एक पैरामिड है, ग्रुप ऑफ द पीपल विच वॉज डिवाइडेड बाई द आर्यंस, लाइक एट द टॉप देयर वर ब्राह्मण, देन क्षत्रियस, देन वेश्यास, देन शूद्रस एंड अनटचेबल्स, ठीक है। अब आपकी बुक में अनटचेबल्स के लिए आउटकास्ट का वर्ड यूज़ हुआ है। आउटकास्ट लोग कौन होते थे? आउटक्लास लोग वो होते थे जो कि बाय ब्लड आर्यन नहीं थे, बाय ब्लड आर्यन नहीं थे। सो इफ़ दे वायलेटेड द अदर फोर कास्ट्स इन वन वे और द अदर, सो दे वर इंक्लूडेड in the untouchables or the outcast, and they used to do the worst thing like the killing of animals and the picking up of the dead bodies and the sanitation. सफाई सुथराई का काम या वो काम उनसे लिए जाते थे जो कि बाकी के फोर कास्ट के लिए वो काम अनक्लीन होता था या हराम होता था, अनलॉफुल होता था,
क्लियर? ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द रिलीजन ऑफ द आर्यन, सो दे वर्शिप्ड द साइन ऑफ नेचर सच एज स्काई और स्टॉर्म्स और अर्थ एंड नाइट एंड रिवर्स. ठीक, सो दे यूज टू वर्शिप दीज साइंस, बट देन दे यूज दे स्टार्टेड टू वर्शिप द डिफरेंट गॉड्स लाइक द इंद्रा, द विष्णु, द शिवा एंड द कृष्णा. क्लियर? एंड वी नो अबाउट देम थ्रू अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स कॉल्ड विदास. विदास के थ्रू हमें इनके बारे में पता चलता है. और एंड दे स्पोक संस्कृत. ये कौन सी जबान बोलते थे? आर्यन संस्कृत जबान बोलते थे. अब थोड़ा सा इसको अगर मैं समराइज करूँ, सो वी विल कम टू नो के दे ब्रॉट अ न्यू रिलीजन हिंदुइज्म, दे ब्रॉट अ न्यू लैंग्वेज संस्कृत, दे ब्रॉट अ न्यू कल्चर, एंड दे ऑल्सो ब्रॉट चैरियट्स ओवर हेयर हु दे यूज टू फाइट अगेंस्ट द ड्रेविडियंस. क्लियर? नाउ आर टूडेज टॉपिक इज द पर्जियंस. पर्जियंस जो कि पर्जिया, जिसको आजकल ईरान हम कहते हैं, हमारा इस्लामी मुल्क है. पर्जिया मॉडर्न डे ईरान बिकेम अ वॉरलाइक नेशन इन द 6th सेंचुरी एंड दे कैप्चर्ड अ ह्यूज एम्पायर विच स्ट्रेच्ड फ्रॉम ग्रीस एंड इजिप्ट इन द वेस्ट टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. पर्जियंस का अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊं, सो पर्जियन का वर्ड जो है ये लाइक इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु ओरिजिनेटेड इन ईरान. ईरान में अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के एक ग्रुप को पर्जियंस का नाम दिया गया. ये ईरान में सेटल थे, ईरान के नॉर्थ में सॉरी उर्मिया एक लेक, वहाँ पे इन द नॉर्थ में, यहाँ पे ये लोग होते हैं. ये क्या करते हैं कि दिस पीपल मूव्ड साउथ, ये साउथ में आते हैं और अपना एक इंडिपेंडेंट मुल्क जो है ये लोग इस्टेब्लिश करते हैं. और वहाँ पहले से मौजूद जो मीडियन एम्पायर होती है वहाँ को, उनको जो ये लोग डिफीट कर देते हैं. इस तरह अब ईरान पे इनका कब्ज़ा आ जाता है. अब होते होते ये क्या करते हैं कि ये बाकी एरियाज़ को भी कॉन्कर करना शुरू करते हैं. और इनका एक लीडर होता है साइरस द ग्रेट. इनकी लीडरशिप में ये ग्रीस को, फिर इसके बाद इजिप्ट को और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को भी कॉन्कर कर देते हैं. यानी यहाँ तक इनकी हुकूमत फैल जाती है. पर्जियंस के बारे में ये कहा जाता है कि 6th सेंचुरी BCE में ये लोग जो होते हैं, तो ये उस टाइम के सुपर पावर्स कहलाते हैं. जहाँ ये जाते हैं, जिस एरिया में जाते हैं, उसको कॉनकर, उसको फतह करके अपनी किंगडम में शामिल करते जाते हैं. इस तरह ये तीन बर आज़मों पे, यानी थ्री कॉन्टिनेंट्स पे ये लोग एट अ टाइम, थ्री कॉन्टिनेंट्स पे ये लोग रूल कर रहे होते हैं. अब यहाँ पे ये देखें, आपकी बुक में भी इसकी पिक्चर है. ये पर्जियन एम्पायर इस कलर से शो हुआ हुआ है. ठीक, अब यहाँ पे भी आप देखें, जहाँ पे आपको बाउंड्री नज़र आ रही है रेड कलर, इसके अंडर जितना भी एरिया है ये सारा पर्जियन एम्पायर के कंट्रोल में था, ये सारा एरिया. ठीक है, सो ग्रीस, फिर इसके बाद इजिप्ट, ये इजिप्ट, और फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक ये लोग जो हैं ये आते हैं. अब जब, नाउ दिस इज़ द लोकेशन ऑफ ग्रीस एंड दिस इज़ इजिप्ट, और इंडिया की लोकेशन तो आपको पता है वो इस साइड पे है. ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये ईरान है, यहाँ पे इनकी हुकूमत जो है बनती है. ठीक, अब यहाँ से होते होते ये यहाँ तक आते हैं, ग्रीस तक आते हैं, फिर इसके बाद इजिप्ट तक भी आते हैं, और फिर इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक इनका कंट्रोल. मतलब ये एट अ टाइम, देखें ये तो ग्रीस तो यूरोपियन कंट्री है, ये अफ्रीकन कंट्री है और ये एशियन. सो एट अ टाइम ये थ्री कॉन्टिनेंट्स पे रूल कर रहे होते हैं. अब सब कॉन्टिनेंट में जब ये आते हैं, दे कॉन्कर्ड द गंधारा किंगडम एंड मेड देयर कैपिटल इन द सब कॉन्टिनेंट एट टेक्सिला विच लेटर बिकेम अ ग्रेट सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. अब गंधारा किंगडम जो है, ये 6th सेंचुरी की बात करें, सो गंधारा किंगडम 6th सेंचुरी BCE में ये एरियाज गंधारा किंगडम में शामिल थे. ठीक है, अब गंधारा किंगडम में आपके पास जो है मेन सिटीज़ का अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें पेशावर, टेक्सिला, इसी तरह वैलीज ऑफ काबुल और चारसदा शामिल हैं.
यहाँ और ये जब यहाँ पे आते हैं पर्शियंस, तो ये टेक्सिला को अपना कैपिटल सिटी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, द पर्शियंस ब्रॉट इम्पॉर्टेंट न्यू आइडियाज़। अब यहाँ पे आने के बाद ये न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं क्या, जैसे कि हाउ टू यूज़ मनी एंड न्यू वेज ऑफ बिल्डिंग। अभी भी ईरान जो है अपने आर्किटेक्चर के लिए, फ़न तामीर के लिए, बिल्डिंग्स के फ़न तामीर के लिए, उस पर जो नक्शो नगार होते हैं, जिस तरीके से वो बनाई जाती है, उसके लिए अभी भी मशहूर है। सो सब कॉन्टिनेंट में आने के बाद भी ये न्यू आइडियाज़ यहाँ पर लेके आते हैं। और कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है ये पर्शियंस ही लेके आए थे। मतलब इतना बड़ा एरिया इनके कंट्रोल में था, तो उसको रन करने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, प्रॉपरली सही तरीके से रन करने के लिए ये लोग उन लोगों का इंतखाब करते थे। लाइक जैसे यहाँ पे सीएसएस का एग्ज़ाम होता है, वो पास करते हैं, रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर इसके बाद जो है इनका इंटरव्यू लिया जाता है, तब जाके वो कहीं, जो सबसे ज़हीन लोग होते हैं वो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं। ठीक, इसी तरह पर्शियन एम्पायर में भी इन ज़हनी आजमाइश के बाद इनको जो है डिफरेंट एरियाज़ में इनकी पोस्टिंग की जाती थी, इनको बाकायदा सैलरी मिलती थी, इनको बाकायदा गार्ड्स दिए जाते थे, एक मिलिट्री कुछ सिपाही दिए जाते थे। तो इस तरह से ये इतने पूरे जो है अपने एम्पायर को इस तरीके से रन करते थे। अब मनी का इस्तेमाल कैसे, पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। अब अगर सिल्वर, उस टाइम तो सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स होते थे, सो सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स जो है वो मिलिट्री के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए लोग यूज़ करते थे। और बाकी जो कॉपर के कॉइन्स होते थे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ यूज़ के लिए जो है ये लोग कॉपर कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, आर्यंस दे लर्न इट, दे ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम आर्यंस। अब यहाँ पे तो आर्यंस मौजूद थे। ठीक, अब आर्यंस से ये लोग क्या सीखते हैं, दे ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम द आर्यंस अबाउट मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में, एंड हाउ टू मेक गुड स्टील विच वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड कुड बी मेड ओनली इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। अब आर्यंस जो है ये पर्शियंस आर्यंस से मेडिसिन के बारे में सीखते हैं, और स्टील के कैसे, स्टील अच्छी स्टील कैसे बनाते हैं, ठीक, उसके बारे में ये लोग आर्यन से सीखते हैं। स्टील वॉज यूज मेनली बाय द रिच फॉर मैन्युफैक्चरिंग बेटर वेपन्स। अब सिर्फ उसका स्टील का इस्तेमाल सिर्फ रिच लोग ही कर सकते थे, बिकॉज इट वॉज टू एक्सपेंसिव एंड दे यूज इट टू मेक द वेपन्स। द पर्शियंस ऑल्सो मेड गुड एरीगेशन स्कीम्स इन द इंडस वैली, हाउएवर लाइक द एम्पायर्स बिफोर देम दे टू ग्रू वीक आफ्टर सम ईयर्स इन पावर। अब ये इरिगेशन स्कीम्स भी लेके आते हैं इंडस वैली में, जैसे हाउ टू इरिगेट द फील्ड्स, एंड दे ऑल्सो, अब जैसे कहा जाता है कि हर अरूज के लिए जवाल होता है, अब ये सुपर पावर भी जो है ये जवाल का शिकार हुई, और इनके बाद इन पे रूल करने जो लोग आते हैं वो भी आगे इसी चैप्टर में हैं, दे वर नोन एज ग्रीक्स, एलेक्जेंडर एंड द ग्रीक्स। इन द वेस्ट, इन द वेस्ट अनदर न्यू पावर, मगरिब की बात, इन द वेस्ट अनदर न्यू पावर वॉज बिल्डिंग अप इन द नदन ग्रीस, ग्रीस यानी जो आज का यूनान है। एलेक्जेंडर बिकेम किंग ऑफ मैसेडोन वैन हिज फादर फिलिप वॉज मर्डर्ड इन 336 BCE। अब वेस्ट में और ग्रीस के नॉर्थ में अब एक नया जो है, एक नई पावर जो है वो बिल्ड हो रही होती है। वो कौन होता है, वो एलेक्जेंडर द ग्रेट होता है। 336 BCE में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट के फादर को एसेसिनेट किया जाता है, उसको अपना ही एक बॉडीगार्ड जो है वो एसेसिनेट करता है, उसको कत्ल करता है, सो अलेक्जेंडर द ग्रेट वो तख्त पे बैठ जाता है, मेसिडोनिया की जो है, या मकदूनिया जिसे कहते हैं उर्दू में, सो मकदूनिया की हुकूमत अलेक्जेंडर द ग्रेट को सिर्फ 20 साल की उम्र में दी जाती है। He was only 20 years old, but had already shown himself to be a brilliant soldier and leader. Alexander was also well educated, as his father had groomed him thoroughly for kingship. अब सिर्फ 20 साल की उम्र में जब इसको ये इसको तख्त पे बिठाया जाता है, वो किंग बनता है, लेकिन शुरू से ही उसको बादशाहत की और पूरी दुनिया पे रूल करने की तरबियत दी जाती है।
उस टाइम ग्रीस के जो सबसे सिर्फ ग्रीस के नहीं पूरी दुनिया के जो सबसे ज़हीन तरीन इंसान यानी एरिस्टोटल जो है वो इनकी तरबियत करते हैं, को मिलिट्री की तरबियत भी दी जाती है। और ये कहा जाता है कि जंग के दौरान अगर तीर आके इनके बाजू पे लगता था तो वो तीर जो है वो टूट जाता था, लेकिन उनको जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बताने का मकसद यह है कि फ़िज़िकली वो इतना स्ट्रॉन्ग था। उसके फादर ने उसको शाही ज़िंदगी से निकाल के कहीं दूर जो है ट्रेनिंग के लिए उसको भेज दिया था। ठीक, सो अब उसकी माँ का ये ख्वाब था कि वो जो है फातह आलम यानी पूरी दुनिया को कॉन्कर करने के बाद जब वो आए तो उसके सर पे फातह आलम का ताज सजे। और उसी के लिए जो है इसकी जहनी तरबियत भी की जाती है और फिज़िकल ट्रेनिंग भी इसको दी जाती है, जिसमें घुड़सवारी शामिल है, जिसमें तीरंदाजी शामिल है और डिफरेंट ट्रेनिंग इसमें शामिल है। दिस इज़ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड दिस इज़ मैसेडोनिया। अब तो ये सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, लेकिन एट दैट टाइम मैसेडोनिया इंक्लूड सम पार्ट्स ऑफ द ग्रीस एंड बल्गारिया एंड सर्बिया। व्हेन अलेक्जेंडर डाइड 13 ईयर्स लेटर ही हैड कॉन्कर्ड ऑल ऑफ द पर्शियन एम्पायर फ्रॉम इजिप्ट टू व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान। अब व्हेन अलेक्जेंडर डाइड 13 ईयर्स लेटर यानी जहाँ जहाँ वो चलता गया उन एरियाज़ को उसने वो उसको कॉन्कर करता गया, लेकिन वो यहाँ तक पर्जियन एम्पायर जिसको जैसे मैंने पहले बताया कि देवर द सुपर पावर, सो वो पर्जियन एम्पायर भी वो कॉन्कर कर लेता है। इजिप्ट भी अपने कंट्रोल में, इजिप्ट का कंट्रोल भी इसके पास आ जाता है, और जहाँ तक पर्जियन एम्पायर थी यानी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सो वो कंट्रोल भी यानी पाकिस्तान जो है उसका कंट्रोल भी अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास आ जाता है। ओके, इन अ ग्रेट बैटल ऑन द रिवर जहलम ही डिफीटेड पोरस द किंग ऑफ द पंजाब। पोरस वॉज कैप्चर्ड एंड टेकन टू अलेक्जेंडर हु सो एडमायर द किंग्स ब्रेवरी दैट ही रिलीज्ड हिम एंड रिटर्न्ड हिज किंगडम। अब पर्शियन एम्पायर जैसी बड़ी एम्पायर को शिकस्त देने के बाद जब ये सब कॉन्टिनेंट की तरफ आता है सो इन्होंने पोरस जो कि पंजाब का किंग होता है उसकी ब्रेवरी उसकी बहादुरी के किस्से इन्होंने सुने होते हैं। ठीक, सो थोड़ा सा इनके दिल में खौफ आप कह लें या सब कॉन्टिनेंट के जो लोग थे उनकी ब्रेवरी के बारे में भी सुना था, सो थोड़ा सा इनके दिलों में खौफ था। ये जब आते हैं यहाँ पे इनके साथ जब बैटल होती है तो कहते हैं कि पोरस द ग्रेट जो है वो लास्ट तक जो है वो लड़ता रहा जब तक कि उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई और वो गिरने लगा, तब जाके जो है उसको वो सरेंडर करता है। अब जब इसको लाया जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट जब इनसे पूछते हैं कि मैं आपके साथ क्या सलूक करूं, तो पोरस का ये जवाब होता है कि वो सलूक करो जो कि एक बादशाह किसी बादशाह के साथ करता है। सो वो इसकी बहादुरी से उसकी ब्रेवरी से बड़ा मुतासर होता है, उसको छोड़ देता है और उसको उसकी सल्तनत जो है वो वापस कर देता है। अच्छा, इसके बाद अलेक्जेंडर नाउ वांटेड टू मार्च ईस्टवर्ड्स टू व्हाट वाज बिलीव्ड टू बी द एज ऑफ द वर्ल्ड। हिज सोल्जर्स हाउएवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम देयर होम्स इन ग्रीस रिफ्यूज टू ओबे फॉर द फर्स्ट टाइम। अलेक्जेंडर वाज फोर्स्ड टू गो बैक टू पर्शिया हाफ ऑफ हिज आर्मी क्रॉसिंग द टेरिबल मकरान डेजर्ट एंड द अदर हाफ गोइंग बाई सी। अब अलेक्जेंडर क्या चाहता था कि वो फर्दर ईस्टवर्ड्स जाए और उस टाइम ये ख्याल किया जाता था कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अब तकरीबन 10 साल अपने घरों से बाहर रहने के बाद और कॉन्टीन्यूस वॉर करने के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो सोल्जर्स होते हैं वो फर्दर आगे जाने से इनकार करते हैं और उसको कहते हैं कि हम वापस जाते हैं। सो अलेक्जेंडर द ग्रेट इनकी बात जो है वो मान लेता है और ये लोग वापस मैसेडोनिया जो है चले जाते हैं। अब रास्ते में कहते हैं कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, और मैसेडोनिया तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो लोग इस बात पे यकीन नहीं करते कि उसकी अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ होती है। अब इसकी डेथ को लेके डिफरेंट थीरीज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं
कि इन्होंने जो है इतना ज़्यादा शराब पिया था कि इनकी तबीयत उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इनको बुखार हो गया था, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से नमूनिया होने की वजह से वो उनकी डेथ हो गई। और कुछ कहते हैं कि इनको जहर दिया गया था, जिसकी वजह से शराब में जहर डाल दिया गया था, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो है सिर्फ 31 साल की उम्र में ही, यानी बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी। और ये भी कहा जाता है कि अगर वो ज़िंदा होते तो वो पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लेते। बैक इन पर्शिया अलेक्जेंडर बिगेन टू मेक फ्रेश प्लान्स बट ही फेल सिक एंड डाइड एट द एज ऑफ 33। वो मैं बता चुकी हूँ कि पर्शिया में ही, अच्छा ये अपने सोल्जर्स को जब वो रिफ्यूज़ करते हैं आगे जाने से तो वो बहुत सारी चीज़ों का लालच भी दे देते हैं, कहते हैं कि लाइक बहुत सारे लाइक पैसे या फिर ख़जाने या फिर सोना ज़मीनें, इन सारी चीज़ों का लालच देते हैं, लेकिन वो आगे फर्दर जाने से इनकार करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जितने एरियाज़ अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो कॉन्कर कर चुका था, तो जाहिर सी बात है उस जगह की लैंड या उस जगह के जो ख़जाने हैं या पैसे या गोल्ड जो चीज़ें भी होती हैं वो, तो उसका कंट्रोल तो इनके पास आ जाते हैं। तो कहते हैं कि हर सिपाही के पास इतना जमा हो गया था कि अब वो फर्दर लड़ना नहीं चाहते थे और वो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। इस वजह से भी जो है उन लोगों ने, सोल्जर्स ने लड़ने से इनकार कर दिया था और वो फिर वापस मैसेडोनिया जो है वो जाना चाहते थे। लेकिन पर्शिया में वहाँ पे इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि बीमार हो गए, 31 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। अब तकरीबन आधी दुनिया को फतह करने वाले इंसान की जब डेथ होती है, सो फिर आप ये लाइन देखें, हिज ग्रेट एम्पायर ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स ईच रूल्ड बाय वन ऑफ हिज जनरल। सो इतनी बड़ी एम्पायर जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है और अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो जनरल्स होते हैं वो फिर इस पर रूल शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऊपर आप ये देखें, ये लोग फर्स्ट टाइम, इनको वॉर टैंक्स जो है ये कहा जाता है, फर्स्ट टाइम ये लोग देखते हैं हाथियों की लड़ाई देखते हैं, लाइक हाथियों को फर्स्ट टाइम अपने सामने जब देखते हैं तो ये लोग थोड़े से खौफज़दा भी हो जाते हैं, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो सोल्जर्स होते हैं। लेकिन फिर वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ये लोग जो है इन हाथियों के जो है इनके पांव ये लोग ज़ख्मी कर देते हैं और ये जो है ये गिर जाते हैं। और पोरस के जो लोग होते हैं, जो आर्मी होती है, इसी को ही यानी अपने हाथी जो है इनकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है और ये लोग जो है कुछ भाग निकलते हैं और कुछ की जो है वो डेथ हो जाती है। सो दिस वाज अबाउट द चैप्टर द एंशंट इन्वर्टर्स। आई होप कि यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। नाउ लेट्स डिस्कस आर टुडेज होमवर्क। अच्छा बच्चे, आप लोगों ने क्या करना है कि चैप्टर 17 के लिए टाइटल पेज आपने कैसे रेडी करना है, लाइन गैप से सारी हेडिंग्स देनी है जिस तरह हम क्लास में करते हैं, प्यारी सी शेडिंग करें, ठीक, हल्की सी शेडिंग करें, कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना, नीट क्लीन प्यारी राइटिंग में स्ट्रेट आपने सारे लेटर्स लिखने हैं सिंपल हैंड राइटिंग में और एंडिंग लाइन लगानी है। फिर इसके बाद आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड आर्यंस यूज टू फाइट। तो इसमें पहले आर्यंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और फिर इसके बाद कौन से वेपन्स यूज़ किए उन्होंने लड़ाई के दौरान। सो आर्यंस यूज वेपन्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड आयरन एंड दे ऑल्सो फॉट फ्रॉम चेरियर्स। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, देन यू विल ड्रॉ द एंडिंग लाइन एंड देन योर सेकेंड क्वेश्चन इज़ के वाई वॉज संस्कृत इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ संस्कृत की हेडिंग आ जाएगी और फिर इसके ये 3 पॉइंट्स लिखने के बाद एंडिंग लाइन जो डार्क ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर योर मार्कर वर्ड्स, यू विल हैव टू राइट इट विद मार्कर and you will have to double underline it and you will have to do the shading. Clear? So this was about today's homework and today's chapter. See you soon in the next lecture, inshallah. Till then, take care, Allah Hafiz.